गुना स्थित साक्षी मेडिकल कॉलेज की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिससे ये कॉलेज सुर्खियां बटोरता रहता है। साक्षी मेडिकल कॉलेज में आखिर आज हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सील कर दिया गया। इसके साथ ही गुना स्थित सिटी ऑफिस एवं समस्त दस्तावेजों को भी सील कर लिया गया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने छात्रों के द्वारा एक पिटीशन फाइल किया गया था जिसमें कहा गया था कि मेडिकल कॉलेज काफी अनियमितताओं का शिकार है, साथ ही कई बार इसको लेकर स्टूडेंट्स हंगामा भी कर चुके हैं, जिसके बाद आज हाईकोर्ट ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 12:30 बजे एक निर्देश जारी किया जिसके तहत ये बताया गया था कि इसके लिए किसी आदेश की जरूरत नहीं है, तुरंत जाकर पुलिस अधीक्षक उस कॉलेज को सील करे, अगर ज्यादा दिक्कत आती है तो अपने साथ वज्र बल भी ले जाया जा सकता है। कॉलेज MCI की गाइडलाइंसों को पूरा नहीं कर रहा था। वही MCI गाइडलाइंस के अनुसार यहां एक कमेटी का गठन भी किया गया है जो अपनी रिपोर्ट इन दस्तावेजों को खंगालने के बाद 23 जनवरी तक हाईकोर्ट जबलपुर में पेश करेगी। वहीं कोर्ट ने आदेश में साफ लिखा है कि जब तक उक्त जांच नहीं हो जाती तब तक सिटी ऑफिस एवं कॉलेज को बंद रखा जाए ताकि कोई भी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सके। इसी के साथ कमेटी को यह भी देखना है कि विगत 40 दिनों में बच्चों ने क्या पढ़ाई की या उनके प्रैक्टिकल हुए या नहीं, या फिर अन्य समस्याएं जो छात्रों ने अपने पिटीशन में दर्ज कराई है वे सही है या नहीं। वहीं कमेटी को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि समस्त जांच कॉलेज के स्टूडेंट एवं कॉलेज प्रशासन के सामने ही किए जाएं। कोर्ट के आदेशानुसार इस कमेटी में गुना कलेक्टर, गुना के पुलिस अधीक्षक, डिस्ट्रिक्ट जज, GR मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के डीन और मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर के साथ मेडिकल बोर्ड जबलपुर के एक एक्सपर्ट भी रहेंगे। यह टीम 23 जनवरी तक उक्त कॉलेज की पूरी रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में सबमिट करेगी। अब देखना यह होगा कि हमेशा से विवाद में रहने वाले साक्षी मेडिकल कॉलेज में प्रशासन को कोई अनियमितताएं मिलती हैं या नहीं। हालांकि जो टीम गठित की गई है वह निष्पक्ष जांच करेगी, ऐसा छात्रों का मानना है। हर डिजीज का ट्रीटमेंट उनका बॉटल्स होती थी। कोई भी पेशेंट आए बॉटल चढ़ा देते थे, एक नहीं दो नहीं आठ आठ बॉटल चढ़ी थी। मेरी फ्रेंड को चढ़ी है, उसको एक बर्न हो गया था, गर्म चाय दे दी थी, उसको छोटा सा बर्न था। ट्रीटमेंट थोड़ी टाइम से होता है, एक दो वीक में एक मंथ के अंदर रिकवर हो जाता है। उसका इतना एग्जैजरेट हो गया, उसको एक मंथ ट्रीट नहीं उसका बढ़ गया, उसके पैर में फैल चुका था वो बर्न, फिर उसे घर भेजना पड़ा और फिर अच्छे हॉस्पिटल में इंदौर दिखाया। मेडिकल है ना सर स्टोर, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक ड्रग बैन कर दिया था, लेकिन ये खुले आप भेज रहे थे। ड्रग एक्चुअल ड्रग होते हैं ना जो एडिक्ट होते हैं ड्रग, वो कोडिंग कफ के लिए आ गया। 2016 में लाया था, 2016 से लाया, लेकिन यहाँ बेच रहे थे, यहाँ वो बेच रहे थे। उन्होंने रात में ही मुझसे खुलवाई और बोला आज के बाद यहाँ कुछ मत करना। 750 बेड का हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन लेकर बैठे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। 8 मेजर सर्जरी जी ऑनलाइन बताते हैं, उसमें एक भी 0 मेजर सर्जरी। 48 माइनर सर्जरी बताते हैं, माइनर सर्जरी में 0 है इनका। और जो डॉक्टर्स की लिस्ट कम से कम 48-47 के आसपास बताते हैं। आईएमसी मेडिकल कॉलेज जो गुना में स्थित है उसका ऑफिस तेलगानी पर है, साक्षी मेडिकल इंस्टीट्यूट का। तो आज जो है हाईकोर्ट के आदेश से इसको सील्ड किया गया है। हाईकोर्ट के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है, वो उसकी जांच करेगी। तब तक के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स इधर उधर ना हो जाएं, उस संबंध में इसको सील्ड किया गया है। तो कमेटी की जांच होने के बाद जैसी स्थिति होगी हाईकोर्ट को अवगत कराएगा। स्टूडेंटों का क्या किया जाएगा, सील हो गया कॉलेज तो इस संबंध में तो
जो कमेटी के सदस्य हैं वो ही आपको अवगत करा सकते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होगी और हाईकोर्ट इस पर क्या डिसीजन देगा। हॉस्टल व्यवस्था वो भी बंद, बच्चे के बाहर हो गए अभी कॉलेज से जो बच्चे हैं। इस संबंध में मेरे को जानकारी नहीं है, मेरे द्वारा तो केवल जो है इसको सील्ड किया गया हाईकोर्ट के आदेश से। आगे जो हाईकोर्ट का आदेश होगा वो सबको